हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, भारत के 15वीं राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो समाप्त हो चुका है और एक ऐसी महिला भारतीय सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। द्रौपदी मुर्मू, जिनकी जो पहचान है, जिनका जो नाम है, अब कोई पहचान का मोहताज नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया है और वो भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो महिला है ये आदिवासी महिला है। वैसे तो भारतीय महिला और भी राष्ट्रपति रह चुकी है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, लेकिन ये एक प्रथम आदिवासी महिला है, इसीलिए ये इनका नाम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। आपको याद रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत की ऐसी प्रथम आदिवासी महिला का नाम बताइए जो राष्ट्रपति बनी, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है सर्वोपरि रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उनके जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है, पार्षद से राष्ट्रपति तक, पार्षद से प्रेसिडेंट तक का सफर उन्होंने किस तरीके से तय किया और क्या क्या उनके जीवन में हुआ, सारी चीज़ें एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनका नाम। तो उनका नाम तो आपको सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू उनका नाम है और इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। ये मैं पेपर इसलिए लिख रखा हूँ क्योंकि याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आपके लिए जानकारी इकट्ठी करके आपको देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। जन्म जो है वो 20 जून 1958 को हुआ था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आज़ाद भारत में पैदा हुई हैं और इस माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो हैं इस समय, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी आज़ाद भारत में पैदा नहीं हुए, उनका जन्म भी आज़ादी से पहले का है, लेकिन ये जो है आज़ाद भारत में पैदा हुई भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है आदिवासी हैं। 21 जुलाई 2022 को इनको भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया और ओडिशा के मयूरभंज जिले में बैदापोशी गांव में इनका जन्म हुआ था। ओडिशा के मयूरभंज जिले में बैदापोशी गांव जो है उसमें इनका जन्म हुआ था। मयूरभंज याद रख लीजिएगा, मयूरभंज बैदापोशी गांव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और राज्य है ओडिशा, ओडिशा में ये जो है पैदा हुई, इनका डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज है और गांव का नाम बैदापोशी है। और दोस्तों, इनके दादा और पिता भी जो है ग्राम प्रधान रहे, यानी कि इनके यहाँ राजनीतिक पॉइंट है वो हमेशा से रहा है। उनके दादाजी भी प्रधान थे, उसके बाद जो है इनके पिताजी प्रधान हैं। इन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत एक अध्यापिका के रूप में की थी, यानी कि प्रारंभ में ये टीचर थी, टीचर बनके इन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया था और धीरे धीरे राजनीतिक रुख किया। वर्ष 1997 में ये रायनपुर पार्षद चुनाव जीतकर राजनीति में आई। वर्ष 1997 में, 1997 में ये पार्षद बनी कहाँ पर, रायनपुर में, रायनपुर में ये पार्षद बनी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे इनके जीवन के, जैसे कि ये 1997 में पार्षद बनी रायनपुर से। और दोस्तों, उसके बाद जो है भारतीय अनुसूचित जनजाति, यानी कि भाजपा का भारतीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा उपाध्यक्ष भी रही भाजपा की तरफ से। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ये उपाध्यक्ष रही, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष रहीं। 2000 और 2009 में भाजपा की तरफ से रायनपुर से टिकट मिला और ये विधायक भी रहीं 2009 में, पहले 2000 में और उसके बाद 2009 में विधायक बनी। अच्छा खासा राजनीतिक जीवन है इनका। और 2000 और 2004 के बीच में ये मंत्री भी रहीं 2000 और 2004 में के बीच में ये 2000 और 2004 के बीच में ये मंत्री भी रहीं, ये मंत्री बनाई गई विभिन्न विभागों में। उसके बाद 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल रहीं 2015 में
2015 में झारखंड की नौवीं राज्यपाल। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके बारे में जो हम सभी को पता होने चाहिए। सबसे पहला, इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ था और जिला है ओडिशा का मयूरभंज, गांव है बैदापोसी। 1997 में ये पार्षद बनी रायपुर से, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रहीं और 2009 में विधायक भी रहीं। 2000 और 2004 में नवीन पटनायक का बीजू जनता दल और भाजपा की जो संगठन वाली सरकार थी उसमें ये मंत्री भी रहीं और उसके बाद 2015 में झारखंड की नौवीं राज्यपाल बनाई गई। और अभी जो है वर्तमान में ये अखंड भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है। तो इतना लंबा सफ़र है और इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक छोटे से तबके से उठ के आदमी अगर भारत के इतने उच्च संवैधानिक पद पर आसीन हो सकता है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की देन है। और भारतीय संविधान हर व्यक्ति को हक देता है, हर व्यक्ति को अधिकार देता है अपनी आवाज़ उठाने का, अपने आप को उठाने का, अपने आप को विकसित करने का। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हो सकते, आपको हमेशा जीत मिलेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जीके के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेशल वीडियो था आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ये तो सभी को पता होगा कि भाई भारत का 15वां राष्ट्रपति बन चुका है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपको शायद ना पता हो। तो इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए ये वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।